आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वापस आकर विशिष्ट सिद्धांत इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये समझता हुआ कि रिलेटिविटी है क्या। देखिए मोशन जो है वो इन जनरल रिलेटिव है, यानी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के मोशन। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है बस इज गोइंग टू गेट ऑफ। एक स्टेटमेंट हमने लिखा कि बस जयपुर जा रही है। स्टेटमेंट पे ध्यान दें आप, बस इज गोइंग टू जयपुर, ये बस जयपुर जा रही है। पैसेंजर बस के अंदर है, बिल्कुल एक पैसेंजर बस के अंदर है और जैसे ही टॉप वगैरह क्लोज होता है उसके बाद पैसेंजर कंडक्टर से ये जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, उसका सिंपल सवाल है सिंपल है, बहुत सीधा सवाल है। बस स्टैंड पर कंडक्टर ने कहा था कि बस जयपुर जाए। बस में बैठने के बाद में पैसेंजर ये पूछ रहा है कि जयपुर आएगा कब। तो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर हमने जो मोशन है वो मोशन इसके साथ डिक्लेयर किया, बस के साथ। इसके अंदर जो मोशन है वो मोशन इसके साथ डिक्लेयर किया जयपुर के साथ। अब जरा देखिए इन दो स्टेटमेंट के बाद में हो क्या रहा, वाकई में इसे समझने की कोशिश करते हैं। जनरली जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को स्टेशनरी मान के चलता है, या उसकी आप साइकोलॉजी कहें या उसका मेंटल स्टेटस कहें, जो भी कहें, ऑब्जर्वर जो है हमेशा अपने आप को स्टेशनरी रहेगा। जब कंडक्टर बस के बाहर खड़ा था या बस में था तो वो ये मान रहा था कि अब ये बस चलने वाली है। उसने अपने आप को स्टेशनरी माना और ये कहा कि बस जयपुर जा रही है। लेकिन जब पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है उस केस में पैसेंजर ने अपने आप को स्टेशनरी माना और ये देखा कि जयपुर उसके तरफ आ रहा है। जब उसने अपने आप को स्टेशनरी माना उस केस में उसने बस को भी स्टेशनरी मान लिया और ये कहा कि जयपुर उसके तरफ आ रहा है। तो जरा इसी का मैथमेटिकल फिक्टराइजेशन करते हैं। फिक्टराइजेशन कैसे करें कि जैसा नाम ये आपकी बस है, ये बस है और ये आपका ग्राउंड है, इसके रेस्पेक्ट में हम उसका पोजिशन वेक्टर या आर ये देखते हैं। इस ओरिजिन को हमने फिक्स कर लिया और ये देखें कि बस इसका अंदर इसका पोजिशन वेक्टर बदल रहा है तो बस इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम बस की मोशन को कंसिडर करेंगे। अब जरा देखिए जैसे ही ऑब्जर्वर की बात करें, पैसेंजर की बात करें जो कि बस में, अब वो यहाँ पर है तो ओरिजिन हमारा यहाँ पर और जयपुर कभी वो यहाँ पर है और इसका पोजिशन वेक्टर यह लगातार चेंज हो रहा है, यह आर वेक्टर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, वहां पर आर वेक्टर भी बिल्कुल चेंज होता है। तो देखिए उसने इस पॉइंट को मोशन पर ले लिया,
एक तो है हमारा उत्तरवत जो कि खुद को इस तरह सही मान के चलेगा, और दूसरा है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है तो इन एग्जाम्पल से ये जब क्लियर हो गया, हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर ने खुद को स्टेशनरी माना, चाहे वो मोशन में हो या नहीं। जब ऑब्जर्वर ने खुद को स्टेशनरी मान लिया, इसका मतलब देखिए जैसे इसने ये माना, जैसे एक इंस्टीट्यूशन हमारे पास आ गया कि मोशन इज ऑलवेज गति जो है वो सापेक्ष ही होगी, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी। इस बात को मानते हैं हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब देखिए रिलेटिव मोशन क्लासिकल पिक्चर में भी हो सकती है और रिलेटिविस्टिक पिक्चर के अंदर भी हो सकती है। अब देखते हैं क्लासिकल रिलेटिविटी क्या है। देखिए इससे पहले भी आइंस्टीन से पहले भी गैलीलियो ने रिलेटिविटी की बात की थी, जिसको गैलीलियन रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी का नाम क्लासिकल रिलेटिविटी। इसके बहुत सिंपल इक्वेशन से क्लासिकल रिलेटिविटी के x इज इक्वल टू x माइनस a b, y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z, एंड t इज इक्वल टू t। ये तो गैलीलियन के टाइम पे भी था, इस तरह की रिलेटिविटी पहले भी थी। और जब भी आपका बहुत ज्यादा नहीं हो, यानी ऑब्जर्वेबल लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो, ऐसे केस में ये गैलीलियन रिलेटिविटी की थ्योरी एकदम सही रिजल्ट देती है। अब हम देखें इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर एक बात हमें यह देखने को मिलती है कि जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन है उसी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। ये किधर है, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला पैरेलल कंपोनेंट है। तो देखिए रिलेटिविटी का जो इफेक्ट है केवल पैरेलल डायरेक्शन के अंदर आ रहा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं। दूसरा इसमें टाइम को जो है, टाइम को इस तरह का वेरिएबल लिया है कि रिलेटिविटी का इस पर कोई असर नहीं आ रहा। ये जो आपका नेक्स्ट जो वेरिएबल है टाइम जो है, ये टाइम कैसा लिया आपने, इसको एक तरह से एब्सोल्यूट बना दिया। पर बाद में जो कुछ एक्शन हुए उनसे पता लगा कि इन इक्वेशन से हमारा काम नहीं चल रहा। एक को इन्होंने ने क्या किया कि स्पेस और टाइम यहाँ पर दे दिए, हमने मोशन का वेटेज स्पेस में तो दे दिया लेकिन टाइम का दर्द ही दिया। जबकि अगर सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन लें तो हम क्या देखें, जैसे हम मोशन डिफाइन करने की कोशिश, वो इक्वेशन थी हमारे पास ये इक्वेशन। यानी अगर यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ टाइम भी है, इसके बिना तो हम मोशन की बात कर नहीं पाते। तो फिर एक सिंपल सवाल जो दिमाग में आता है कि हमने स्पेस में तो मोशन का कंट्रीब्यूशन नहीं किया लेकिन टाइम डोमेन के अंदर तो चाहिए, इसका मतलब कोई ना कोई कमी यहाँ पर हो सकता है, रह गई है। और बाद में यही हुआ कि जैसे ही बी जब बढ़ने लगी और बी जब है सी की रेंज में जाने लगी तो ये इक्वेशन इनसे हमें ठीक रिजल्ट मिल गया। तो फिर ये देखा कि गलती कहाँ हो गई, तो इसके लिए बहुत सारे पोस्टुलेट आए। शुरू में तो ये बात आई कहता है कि लाइट की वेलोसिटी भी
फ्रेम के साथ चेंज हो सकती है। तो फिर एब्सोल्यूट फ्रेम का लफड़ा पड़ा कि एब्सोल्यूट फ्रेम क्या होनी चाहिए, अर्थ का तो क्या रोटेशन भी है, तो इसे एब्सोल्यूट फ्रेम मानने से मना किया। फिर ये देखा कि अर्थ से थोड़ा बाहर देखें और बाहर वाले स्पेस में मुझे लें कि वहाँ पर ईथर जैसा कोई मीडियम है और उस मीडियम के रेस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। तो फिर उस मीडियम के अंदर कुछ ड्रैग जैसा इफेक्ट, जैसे ईथर ड्रैग वगैरह, ये भी काउंट करने की कोशिश हुई। पर रिजल्ट ये मिला कि अगर हम ईथर ड्रैग को और इन सब चीज़ों को काउंट करें और ये माने कि लाइट की वेलोसिटी फ्रेम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो फिर हम क्या है इसमें माइकलसन मॉडल इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर जो फ्रिंज शिफ्ट है उसको काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इस चेंज को करने के बाद ही एक ये देखते हैं, मान लीजिए 100, 150, 200 फ्रिंज काउंट की और एरर निकालने की कोशिश की, तो एरर आपको 0.37 है जो कि 100 तो बहुत कर रहा है। हम कहते हैं कि अगर मान लो 0.5 से ज़्यादा होता है तो इसको मुझे एक मानते हैं, क्योंकि एक ही नहीं है, इसका मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो हम ईथर जैसी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसे कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी। और आइंस्टीन ने इस बारे में बोल्ड स्टेप उठाया। आइंस्टीन ने क्या कहा कि जैसे अगर ये आपकी अर्थ है और इसके पास आप ईथर जैसा कुछ मानते हो, कुछ मत मानो, उसने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, आप इसको नाम दो वैक्यूम, इसको नाम देने की कोशिश करो वैक्यूम। और ये कहा कि इस V प्लस माइनस C यानी C का V के साथ साथ जो चेंज आ रहा है ये तो आपने काउंट किया था और वो जीरो की तरफ जा रहा था, यानी फ्रेम के साथ साथ अगर आप C प्लस माइनस V करने की कोशिश करते और जो फिर डेल्टा है नंबर ऑफ फ्रिंज में चेंजेस दिखा रहे ये जीरो आ रहा था, तो आइंस्टीन ने यहाँ पर एक बोल्ड स्टेप उठाया। उसने ये कहा कि ये सी प्लस माइनस बी ऐसा कुछ भी नहीं है, सी जो है हमेशा आपके सी होना चाहिए, सी कैसा हो कि फ्रेम की वेलोसिटी कैसी भी हो लेकिन सी तो सी हो। तो फिर इस बात को थ्योरेटिकल वे में बढ़िया स्टेटमेंट बना के कैसे रखते हैं, तो साइंस ने ये कहा कि देखिए वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, सोर्स और ऑब्जर्वर इन पर डिपेंडेंट नहीं होते। यानी इसको कैसे कहें, इसको ये कहा कि लाइट की वेलोसिटी को कह रहे हम सी से, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और मान लीजिए वी नॉट है, इसे कह रहे हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और बी एस जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये किसमें है इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम। तो आइंस्टीन ने यह कहा कि जो सी है आपका वो कॉन्सेंट रहेगा, यानी सी क्या है आपका एक कॉन्सेंट है और इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा वी नॉट ये भी आपका जीरो है और डेल्टा सी बाई डेल्टा वी एस ये भी आपका, यानी चलता हुआ सोर्स लाइट इमिट करे या चलता हुआ ऑब्जर्वर उसे रिसीव करे लेकिन लाइट की वेलोसिटी पे फर्क नहीं आना चाहिए, यह आइंस्टीन का बहुत बड़ा वर्णित है। दूसरा उसने वैक्यूम की बात की, ईथर जैसा मीडियम की बात नहीं की, उसने क्या कहा आप मीडियम भूल गए, वो वहां पर कोई मीडियम नहीं है, वहां पर जो कुछ भी है एक तरह की खाली जगह है। वैक्यूम से मतलब उसने यह मानने की कोशिश की कि खाली जगह है और मीडियम लेते आप उसके अंदर चेंजेस दे रहे थे, तो जब आपने वैक्यूम वाली कॉन्सेप्ट लाए तो अभी वेलोसिटी में चेंज आए इस बात को आप बोल पाओ, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो
तो फिर इससे क्या होना चाहिए? अगर हम कहें कि अगर ऐसा कैसा रहे तो फिर b प्लस c प्लस अगर b ऐसा करना चाहे तो भी इस ऑपरेशन के बाद में हमें c मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए c माइनस b एसी कोई ऑपरेशन ये अपोजिट डायरेक्शन में चाहे तो भी हमें क्या मिलना चाहिए? c ही मिलना चाहिए। ये ऐसी ऑपरेशन भी हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आनी चाहिए। अब जरा दूसरी बात देखें, ये तो एक तरह का एक बोल्ड स्टेप वाला ऑसिलेटर दिया। दूसरा इसमें ये भी समझे कि अब हम क्या करेंगे, हमें रिलेटिविस्टिक इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन जो गैलीलियन इक्वेशन का क्लासिकल रिलेटिविटी इक्वेशन है पहले से जो हमने दी वो नई वाली इक्वेशन से आ जानी चाहिए। हम क्या करेंगे कि पुरानी थ्योरी को गलत सिद्ध नहीं करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन किस तरह का कि अगर मान लीजिए हम रिडक्शन करना चाहें यानी वापस पुरानी में लौटना चाहें तो बिल्कुल लौट के आ सकते हैं। यानी ये कहेंगे कि ओल्ड थ्योरी जो है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, गलत नहीं है कमी रह गई, और नई थ्योरी का रिडक्शन ओल्ड थ्योरी में पॉसिबल हो। यानी क्या करें कि जैसे इससे जब थ्योरी जब तैयार करें इसका रिडक्शन किसको हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिड्यूसिबल टू क्लासिकल थ्योरी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें क्लासिकल इक्वेशन सारे गलत मान के छोड़नी पड़ेगी जो कि ठीक है, क्योंकि अब तक तो हमें इनसे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बी में तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट, अब हमें चाहिए बी ऑर्डर ऑफ सी, तो इसके रिजल्ट जो भी मिले वो इसमें रिड्यूस होने के कारण होने चाहिए। तो फिर क्या हो, अब देखिए क्लासिकल रिलेटिविटी में भी क्या था कि जनरली कुछ इक्वेशन की फॉर्म तो एक जैसी थी, उसमें जरूर दिक्कत आई थी। जैसा फॉर्म एक जैसे, मतलब अगर हम कहने आते कि जैसे फोर्स वाली इक्वेशन लिखे ए इक्वल्स टू ए बी टू एक्स वाई स्क्वायर, दो फ्रेंड है, ये पहली फ्रेंड ए और ये वाली एस वाई, ये मान लीजिए सी टू, इसके रेस्पेक्ट में पहली फ्रेंड के रेस्पेक्ट में दूसरी वाली कैपिटल बी इस वेलोसिटी से मूव करती है। पहली वाली फ्रेंड के अंदर मान लीजिए पार्टिकल का फोर्स लगा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फोर्स जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, उसमें स्ट्रेस का पार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरी वाली फ्रेंड के अंदर भी ये फोर्स यानी एफ एस भी आपका एक होना चाहिए। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो वी कौन से होने की वजह से एक्सेलरेशन दोनों में है, तो हमें क्या मिल रहा है? एफ इक्वल्स टू एफ डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर, ये तो निकाल दें इसमें एस वाले के अंदर। दूसरे फ्रेंड को हम क्या लिख रहे हैं? एफ डी सी आपका एक ही एफ डी टू एक्स प्राइम बाय डी टी स्क्वायर, ये प्राइम के अंदर लिखा। इसमें क्या लग रहा है आपको? ये दोनों इक्वेशन की फॉर्म जो फॉर्म है इक्वेशन को सर जाते हैं, दोनों इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कैसी है? एक जैसी है। यानी यहाँ पर आपके फॉर्म इनवेरियंस ये आपको मिलता है। इसका मतलब अगर हम कोई भी फिजिकल इक्वेशन लिखते हैं या कोई भी फिजिकल लॉ की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए? दोनों फ्रेम में एक जैसा अपीयर होना चाहिए, एक जैसा हमें दिखना चाहिए। यानी जो फिजिकल लॉज हम तैयार कर रहे हैं वो फॉर्म इनवेरिएंट होना चाहिए। तो अब हम दो पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो विश्वसनीयता रिलेटिविटी में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला तो बड़ा सिंपल, यही जो हमने रिक्वायरमेंट के तरह लिया है या फिर इसे फॉर्म इनवेरिएंट
इक्वल नॉट। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑफ ये दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है स्पेशल प्रयोग के लिए, और ये बॉडी स्टेशन से होगा आंसर। ये तो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट क्लासिकल रिलेटिविटी में भी आ रहा है, लेकिन ये वाला जो बॉडी स्टेशन है ये आंसर नहीं होगा कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो हमें कांस्टेंट मिल नहीं सकती।